ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे वैसे गुजारना। ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे वैसे गुजारना। ये मेरे वाली साहब ने मुझे कहा था जब मैं परदेश आने लगा था। शाम परदेश की इतनी उदास हो जाती है ना मेरे लिए। अब ये शाम का टाइम है, मगरिब से थोड़ा टाइम पहले की बात है। मैं वीडियो बना रहा हूँ जो शूट कर रहा हूँ, तो अभी दफ्तर में बैठा हूँ, मैंने लाइट ऑफ की हुई है, अंधेरा किया हुआ है। दिल इस बार शोरूम है गाड़ियों का, तो ये मुस्तफ़ा है, बैठा था डेस्क में और अपनी चेयर पे बैठा हूँ, इसको देखता रहता हूँ सारा दिन। बच्चों को, मुस्तफ़ा को देखता हूँ तो बड़ी याद आती है। शाम का परदेश की जो शाम है ना, बड़ी उदास शाम हो जाती है। इस वक्त मेरा दिल इतना उदास है, इतना उदास है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या टाइम है, और शाम होने वाली है और इस वक्त मगरिब का टाइम भी होने वाला है। अभी सही से मगरिब का टाइम हुआ नहीं है, अभी टाइम बाकी है मगरिब। देख रहे हैं आप, ये मगरिब का टाइम अभी कुछ देर बाकी है मगरिब के टाइम का। और अबू धाबी में हूँ इस वक्त मैं, अबू धाबी में हूँ इस वक्त मैं। परदेश की जो शाम है ना, बड़ी उदास शाम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब शाम होती है ना परदेश की, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे नजर आने लग जाए। तो वो कैसे नजर आए जब मैं हूँ ही यहाँ परदेश में। तो बस यार बड़ा दिल उदास हो जाता है। ये मेरा ऑफिस है, इधर मैं बैठता हूँ, यहाँ बैठ के मैं अपना काम करता हूँ। इस ऑफिस में लाइट ऑफ की हुई आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइट जलाऊँ, ये लाइट जला दी है, लेकिन मैंने लाइट ऑफ की हुई है। वो मेरा डेस्क है, वहाँ मैं बैठ के अपना काम करता हूँ। शाम होती है क्योंकि जब छुट्टी मुझे लेट होती है, मगरिब की अभी टाइम होने वाला है, मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर भी काम है कुछ वो करके, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। ये हमारा वॉशरूम है यहाँ पर, ये जेंट्स का है, ये लेडीज़ का है, ये सामने शोरूम है, ठीक है। शोरूम का आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ नज़ारा। बोर हो रहा था और उदास हो रहा था, अपनी उदासी में ख़त्म करता हूँ आप लोगों से बात करके, वीडियो बना के। ये ड्रम है गर्म पानी वाला, गर्म पानी इसमें से निकलता है, आप चाय बनाओ कॉफ़ी बनाओ आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये गर्म करने के लिए खाना ओवन, ये रहा फ्रिज, ठीक है। कस्टमर जब आते हैं उनको पानी खाने देते हैं, तो ये पानी वगैरह लगे हुए हैं फ्रिज में, ठीक है। तो बहरहाल यार, बस शाम जैसी होती है ना, तो मैं कहता हूँ यार शाम ना हो। शाम जैसे ही होती है ना, मेरा दिल उदास होना शुरू हो जाता है यार, इंतहा का। आपकी सोच है, ये कॉफ़ी है, लवाजा इसका नाम है, स्पेशल किस्म की कॉफ़ी बनती है इस मशीन से। एस्प्रेसो कॉफ़ी कैपेचिनो जो आपका दिल करे आप यहाँ से पी सकते हैं। तो बस फिर ऐसे ही है यार, दिल उदास था, मैं फ़ौरन वीडियो ऑन करता हूँ और आप लोगों से बातें करने लग जाता हूँ ताकि मेरी उदासी ख़त्म हो जाए। लेकिन कैसे ख़त्म हो जाएगी, 2-4 मिनटों की वीडियो बनती है, उसके बाद फिर उदास, फिर अकेला जाके बैठता हूँ बाहर और सूटे पे सूटा फैमिली को बच्चों को लेके याद करता हूँ बहुत ज़्यादा। मुस्तफ़ा मुझे कहता है, अभी छोटा सा है, जब भी मुझे रिकॉर्डिंग भेजता है तो मुझे कहता है कि बाबा आप आते नहीं हो, आप आते नहीं हो, आप आते नहीं हो। उसकी ये रिकॉर्डिंग जो है ना, मुझे खा जाती है यार। लेकिन क्या कहूँ उसको कि बेटा आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर धक्के खा रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, मजबूरी है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कमा रहा हूँ रिस्क रोटी। तो अल्लाह करे मेरी रिस्क रोटी में बरकत हो। ये इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, रिस्क रोटी भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये दुआ है कि फैमिली के साथ मेरे हो जाए या फिर मैं फैमिली के पास चला जाऊँ, परदेसी की यही दुआ होती है हमेशा। अगली वीडियो में करता हूँ मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।